पन्ना के अजयगढ़ में रेत माफियाओं के द्वारा लगातार रेत का काला कारोबार किया जा रहा है। रेत माफिया लगातार केन नदी का सीना चीर कर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अजयगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध रेत खदानों से अवैध रेत परिवहन किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर अजयगढ़ पुलिस द्वारा अंकुश लगाने के लिए कार्रवाइयां भी की जा रही है। अवैध रेत के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए पन्ना पुलिस अधीक्षक ने अजयगढ़ SDOP एवं निरीक्षक अजयगढ़ को अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अजयगढ़ SDOP ने बताया कि उक्त कार्रवाई में दो पोकलेन मशीन, एक लिफ्टर मशीन, एक 709 मशीन, तीन हाइवा, एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है एवं उनके प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु खनिज विभाग को सौंपा गया है। जिगनी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को लेकर पुलिस द्वारा की गई यह एक बड़ी कार्रवाई है। पन्ना से विकास सेन की रिपोर्ट, SCN न्यूज। अजयगढ़ क्षेत्र में उत्खनन की शिकायतें आ रही हैं और जिनमें से कि जिगनी खदान का नाम सबसे ज्यादा आता है। इस पर SP महोदय के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एक छापामार कार्रवाई की और जिसके फलस्वरूप हमने दो LNT मशीन, तीन डंपर, एक ट्रैक्टर, एक 407 वाहन और एक क्या बोले उसको एक लिफ्टर मशीन जब्त किया है। अंकुश लग रहा है, कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, कार्रवाई लगातार होती रहेंगी, जिसके लिए एक जिला स्तरीय टीम का भी गठन किया गया है। उक्त टीम एवं प्रशासन की ओर से SDM अजयगढ़ एवं तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जिगनी खदान में दबिश दी गई है, जहां अवैध रूप से उत्खनन कर रही मशीनों पर ट्रकों को जब्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद रेत माफियों में हड़कंप मचा हुआ है।